आज से 2-3 दिन पहले का ये बात है, एक लड़की का मेरे पास इंस्टाग्राम पर डीएम आया था। वो लड़की का 2 लाख के आसपास फॉलोवर्स था। उसने बोला कि सर मैंने सब यूट्यूबर से कांटेक्ट कर लिया, लास्ट में आप मुझे दिखे, प्लीज मेरा हेल्प कर दो। मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या, आप ये तो बताओ, मैं अपने तरफ से पूरा 100% दूंगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने गलती से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा को क्लियर कर दिया था, उसके बाद जब मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन कर रही हूँ तो मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा। मैंने बोला भाई इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, इनका यूट्यूब चैनल, इनका ट्विटर अकाउंट, इनका फेसबुक अकाउंट और इन्हीं को अपना पासवर्ड याद नहीं। क्या बोला तूने? अगर कहीं पर ही आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड का जरूरत पड़ जाए और आपको अपना पासवर्ड याद नहीं रहे, तब आप क्या करोगे? तब तो भाई पूरा का पूरा आपका दिमागी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब पासवर्ड ही नहीं है तो आप अकाउंट कैसे लॉग इन कर पाओगे, अकाउंट कैसे खोल पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं आप लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड को पता कर सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड क्या है। और हाँ, मैंने वो लड़की का जो इंस्टाग्राम अकाउंट जो था पासवर्ड भूल गई थी, उसका मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। चलो, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है और मुझे पता करना है कि वो अकाउंट का पासवर्ड क्या है, मुझे वो पासवर्ड ही याद नहीं, तो मैं अकाउंट को लॉगिन कैसे करूंगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन वाले इंटरफेस में आ जाना है। जब आप ऑटोमेटिक आप ऐसे इंटरफेस पर जब आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस यूजर नेम को डालना है जिस अकाउंट का आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो, ठीक है? आपको यहाँ पे अपने ऊपर में खाली यूजर नेम डालना है। आपको यहाँ पर यूजर नेम डालने के बाद नीचे में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड योर लॉग, चलू भर पानी में जाके डूब के जाओ फॉरवर्ड का। तो आपको क्या करना है, उसके गेट हेल्प लॉगिन इन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक आपको आता होगा, वो ऑटोमेटिक से ले लेता है, मैंने किया नहीं है। सो यहाँ पर फाइन योर अकाउंट, आपको क्या करना है, नेक्स्ट, हाँ यही अकाउंट है आपका। सो यहाँ पर अब आपको ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, एक्सेस योर अकाउंट, ठीक है? अब आपको नीचे में यहाँ पर सेंड एंड SMS का एक ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक नहीं करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प, आपको क्या करना है, नीड मोर हेल्प के ऊपर आपको क्लिक कर देना। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर ही आपका एक मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक होगा तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे आप यहां से नेक्स्ट करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो आपको फटाक से यहां पर OTP एंटर कर देना है। तो मैं यहां पर OTP एंटर कर देता हूं और ये मैंने OTP एंटर कर दिया और यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ। जब आप OTP एंटर करके जब ये वाला पेज पे एंटर हो जाओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ चेंज योर पासवर्ड टू सिक्योर योर अकाउंट। अब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड अगेन, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ही पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड आप भूल चुके हो वो पासवर्ड यहाँ पर ही नहीं डालना। अब यहाँ पर आपको मेन पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपको हमेशा के लिए याद रखना है, वही आपका मेन पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर फटाफट आप पासवर्ड डाल लेना। सो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है। सो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया, वही पासवर्ड आपको नीचे डाल देना एंड सबमिट कर देना। सबमिट करते ही ये अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा और फटाक से ये अकाउंट जो ओपन हो जाएगा, अभी आपके सामने लाइव प्रूफ देखना, ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर सिक्योर बैकअप आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर इसे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है और ये अकाउंट आपका लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेसी आ जाता है, तो यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू कर देना है, घबराना नहीं है। सो ये अकाउंट आपका लॉगिन हो चुका है। तो देखो मैंने विदाउट पासवर्ड ये अकाउंट को लॉगिन करके दिखाया, विदाउट पासवर्ड नहीं, मतलब ये अकाउंट को मैंने लॉगिन किया पासवर्ड चेंज करके। सो अगर आप भी अपना पासवर्ड भूल चुके हो, आपको याद नहीं है कि आपका पासवर्ड क्या है, तो जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप लोग अपना पासवर्ड को पता नहीं कर सकते बट चेंज कर सकते हो तुरंत। तो ये पासवर्ड अभी आपने डालोगे ना, यही पासवर्ड आपका हमेशा के लिए अकाउंट का हो जाएगा। तो इसको अच्छा से तरीके से कहीं पर भी नोट करके रख लेना, यही आपका अकाउंट का पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है? चेंज हो जाएगा वो पासवर्ड। सो कैसा लगा वीडियो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।